सुबह की शुरुआत गरम दूध होते हुए दिस इज द हैप्पीएस्ट मॉर्निंग। आज मैं जा रही हूँ तो बहुत सारे काम करने हैं, तो इधर मेरा दूध बॉयल हो रहा है और इधर मैं बना रही थी मक्खन, तो मुझे घी बनाना है क्योंकि जब मैं कभी भी जाती हूँ तो अपना ये मक्खन वाला काम खत्म करके जाती हूँ। नाश्ता बन यहाँ पर चल रही है पढ़ाई, और पढ़ाई कम लड़ाई ज्यादा चल रही है। बहुत देर हो गई इनको करते हुए। मम्मी आप बताओ कौन सी बड़ी है? दोनों ही सेम है। हाँ तो कौन सी अच्छी लग रही है आपको? उसके डार्क कलर है, तेरे लाइट कलर है। ज्यादा अच्छी कौन सी है? अच्छी मुझे कोई सी भी नहीं अच्छी लग रही, बिल्कुल सिंपल है, उसमें भी तुमने कुछ नहीं किया हुआ। सिंपल ही बनानी है। नहीं मुझे कोई भी नहीं अच्छी लग रही। ये देखो कितने गंदे से चीखे मार रहे हैं, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो चलो पोछा भी, एक्चुअली नया पोछा भी मैंने मंगाया हुआ है, वो उसका भी डेमो मैं आपको दूंगी ज़रूर कैसा है, बट आज मैंने कहा इसी से लगा लेती हूँ क्योंकि वो होता है ना हमारे हाथ बैठा हुआ होता है। तो बस ऐसा ही कुछ है मेरे इस पोछे के साथ। और मेरा सूटकेस मेरे दर्द की कहानी बता रहा है। ये देखो मेरा सूटकेस लगा रखा है। तो बेड पे क्यों बिठाया हुआ है? हाँ तुम बाहर से आए हो ना अभी, हटो इसे डांटने दो मेरे को, हटो। हाँ छोरा बाहर से आए हो ना अभी, स्मेल भी आ रही है गंदी वाली। पानी में बैठा था पानी में। हाँ कैसे बैठी है लोमड़ों की तरह। हाँ आ रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह सारा काम धाम खत्म हो गया है। मैं अभी मार्केट नहीं अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी। एक्चुअली उसके फादर इन लॉ बीमार हैं तो उनको देखने जाऊँगी। उनका ऑपरेशन हुआ है कि किसी चीज़ का, मैं अभी जाके पता करूँगी। फ़ोन पे उस दिन बात हुई थी, फिर मेरे को घर जाना था तो इस चक्कर में मैं नहीं कर पाई थी बात, और मैं किचन में आ गई बात करते करते, क्योंकि मैं अभी बनाऊँगी चाय भी होंगी। भूख लगी है बहुत, सुबह से कुछ नहीं खाया, काम धाम नहीं लगी हुई थी। हेयर वॉश किया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, वैसे तो मुझे नहीं धोना चाहिए था आज, बट मैंने धो लिया फिर भी, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है ना। आज अभी नहा के आई हूँ और आप देख सकते हो मुझे अभी भी पसीना आ रहा है। बहुत गंदी वाली गर्मी है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, एक व्लॉग मेरा एक्स्ट्रा में चल रहा है वही आया है, एक्स्ट्रा में चल रहा है व्लॉग वही आया था, क्योंकि कल मैंने जैसे कि बता रही थी मुझे जाना है तो मेरी टिकट कैंसिल हो गई और मैं नहीं जा पाई अपने घर। जब तक नई टिकट हुई थी तब तक तो था ठीक है, चलेंगे जाएंगे, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम आया, रात के 9 बज गए, और आप मैं हमेशा बताती हूँ कि जिस दिन मुझे कभी कहीं जाना होता है ना, मुझे पूरा घर अपना वाइंड अप करके जाना होता है, तो उसकी वजह से बहुत काम हो जाता है। इतना ज़्यादा मैं थक गई, इतना ज़्यादा मैंने कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया जाने की वजह से, कि टाइम ही नहीं लग पा रहा था। मैं जब रात को 9 बजे मेरी टिकट कैंसिल, मैं इतना अपसेट, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए, कि मतलब या तो होप ही नहीं होती, कि जब तक टिकट नहीं हो रही थी तब तक कोई बात ही नहीं थी, लेकिन हो गई थी तो मैं चली जाती, ज़्यादा अच्छा होता। अभी नेक्स्ट टिकट कराई है, देखो जा पाती हूँ या नहीं, क्योंकि सेम वही है कि वेटिंग जा रही है, वो भी वेटिंग बहुत ज़्यादा है। ब्लैक में टिकट कराई है, जो कि कराना गलत है, लेकिन मुझे जाना है एक दो दिन के लिए, तो मैंने कहा चलो करा लेते हैं, तो कराइए। लेट्स सी अब आगे क्या होगा, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। कंफर्म कहाँ हुई है? नहीं भी कंफर्म, मतलब अभी भी वेटिंग है। हाँ शोना चाय बना दे मम्मी के लिए। ये दोनों यहाँ कर रहे हैं बदमाशी, और ये बनाएगा मेरे लिए चाय। बहुत बुरा है, इसने बेड पे कीड़ा गिरा दिया। और अभी है दोपहर का टाइम, और यहाँ पर बना रही थी मैं लंच। तो एक्चुअली आज ना लंच में कुछ भी बनाने का मन नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पुलाव बना लेती हूँ। ये हमारे ना एक आंटी रहते थे, उनसे मैंने सीखे थे, और वो पंजाब से ही थी, बहुत छोटे थे हम तब वो बनाती थी, तो बस मैंने वहीं उन्हीं से सीखे थे, वो इस तरह से बनाती थी। तो सबसे पहले मैंने लिया है देसी घी, उसमें डाला है थोड़ी सी सरसों, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज, और धुआं हो रहा है कैमरे पर, फोकस नहीं हो पा रहा था, अदरवाइज़ मैं अच्छे से दिखाती। प्याज मैंने बहुत सारी क्वान्टिटी में ली थी,
और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था हरी मिर्च को ना, बीच में से मैंने चीरा लगा दिया था। तो वो आंटी तो बहुत सारी हरी मिर्ची डालती थी, लेकिन मैं थोड़ी सी कम ही डालती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से चला दूँगी। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कच्चा कच्चा सा थोड़ा सा रखना है, वो ट्रांसपेरेंट टाइप का कर लेना है बस, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और प्याज को भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है, और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता आपको भी लगे या ना लगे, कि जब चने की दाल बनाते हैं ना, तो उसमें हल्का सा नमक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं पता, ये आपका भी टेस्ट हो सकता है, मेरा ही हो। अब मैं इसमें डालूंगी चने की दाल, जो कि मैंने सोख करके रख ली थी करीब आधा पौना घंटा पहले। और इस दाल को ना मुझे भूनना है इसी मसाले में, मतलब मसाला क्या, अभी तो सिंपल तेल और प्याज ही है, तो इसमें मुझे भूनना है। आप इसमें देसी घी की या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मैंने तेज़ कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा पानी था दाल में, तो मैंने कहा चलो पहले पानी जल्दी से जल जाए। एक्चुअली गलाना नहीं है दाल को, थोड़ा खड़ा खड़ा ही हमें रखना होता है। तो जैसे ही हमारी दाल थोड़ी सी भुन जाएगी, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। चावल मैंने बिल्कुल भी नहीं भिगोए, क्योंकि बैलेंस करना था चावल को भी और दाल को भी। दाल थोड़ी सी जो मतलब होती है ना, क्रिस्पी ही अच्छी लगती है, मतलब वो घोलनी नहीं है हमें इन चावलों में, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं की थी। अब मैं पानी डाल दूंगी, और पानी आपको वही टेस्ट जैसा कि डलता है नॉर्मली आपके चावलों में, वही पड़ना है। हर चावल का एक अलग होता है। अब मैं इसको छोटी वाली गैस पर ट्रांसफ़र कर दूंगी, और उसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ गोल गप्पे। अभी कुछ दिन पहले भी बनाए थे, बट आपको पता है बच्चों का ऐसे ही रहता है। कुकर का मैंने अभी ढक्कन बंद नहीं किया है, क्योंकि एक बार स्टीम आ जाए उसके बाद मैं करूँगी। बस ऐसे ही मैं इसको ढक के रख दूँगी, बाद में मैं इसको बंद करती हूँ। तो अभी वहाँ पर वो मतलब प्रेशर आ गया था एक बार, तो फिर मैंने ढक्कन बंद कर दिया था। अब यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए थे मैंने गोल गप्पे बच्चों के लिए, और आपको पता है मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चटोरे हैं। थोड़े से मैं बना चुकी हूँ जब मैं ये सेकंड वाला शूट ले क्लिप ले रही हूँ, और बाकी के बना रही हूँ। और ये वाले गोल गप्पे मुझे याद भी नहीं है मैंने कब ला के रखे थे, सडनली बच्चों ने एकदम ज़िद की, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बनाए थे, लेकिन ये वाला पाउच एक्चुअली कहीं हाइड हुआ रखा था। होता है ना, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम कितने भी परफेक्ट हों लेकिन थोड़ी बहुत कमियाँ हमें होती हैं। तो चलिए आप भी आ जाइए, खा लीजिए। बच्चों के लिए मसाला छाछ, और इसको डाल दूंगी मैं फ्रीज़र में। एक्चुअली मैंने इसमें पानी डाला है थोड़ा सा, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, तो थोड़ी देर में फ्रीज़र में स्टोर कर दूंगी, तो ये बच्चे पी लेंगे। अपनी फ्रेंड के, मैंने बताया था ना, मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, उसके फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ देख के आते हैं। मैं और मुकेश दोनों ही जा रहे हैं, इस वजह से लेट हो गए। पहले तो मैं सोच रही थी अभी जाऊँ, लेकिन फिर मैं इनका वेट करने लगी कि ये आ जाएँ, तो ये जाएँगे। ये अभी ऑफिस है, फिर उन्होंने कुछ खाया पिया है, मैंने बच्चों के लिए ड्रिंक तैयार किए, तो फिर अभी हम निकल रहे हैं और आके मिलेंगे। आके बहुत सारे काम भी करने हैं, सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी, आके अभी नहीं बनाई है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ आई थी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि अंकल की तबीयत ख़राब थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। और यहाँ पे पहले हम रेंट पे रहते थे, जब हमारा अपना घर बना था, तो यहीं रहते थे पास में। मैं मुकेश दोनों आए थे, और वो ये जा रहे हैं सामने से। रॉक्सो गेट खोलो, गेट खोलो जल्दी। रॉक्सी वो दिख रही है। रॉक्सो गेट खोलो, छोना उधर मेरा वेट कर रही है गेट पे। अभी हो रहा है गर्मी से बहुत बुरा हाल, आप देख सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं। टुक्कू लगा रहा है, बर्तन बर्तन वगैरह सब हो गए। खाना बना रही थी मैं, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे बर्तन पहले ही कर दिए, बस थोड़े बहुत बचे हैं। कुकर वगैरह सब खाली कर दिए थे सब्जी डाल के। तो जैसे जैसे ये खाते जा रहे थे, मैं सबके बर्तन धोते जा रही थी, मतलब तीन ही लोग तो खाने वाले हैं। गुड्डा उधर खाना खा रही थी, वो भी उठ गई। खा लिया बेटा? हाँ चलो बर्तन पहुँचाओ, इधर मैं माँज दूँ। और मेरा ऋषि रोटी खा के आया है। आजकल बच्चों ने डाइट बिल्कुल कम कर दी है, बिल्कुल ना के बराबर खा रहा है। बस मुझे अभी रोटी टॉमी की बनानी है, बाकी सबकी रोटी बन गई है, मैं भी खाऊँगी। फिर हम जाएँगे वॉक पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है यार। पीक टाइम है गर्मी का, पीक टाइम। टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और इस सीज़न का पहला इतना ज़्यादा पसीना है जो बहा है। मुझे लग रहा है मुझे डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि आज तो लिटरली एक सेकंड के लिए पसीना नहीं बंद हो रहा है सुबह से। और लाइट का भी ना ये चल रहा है कि वोल्टेज इतने ज़्यादा कम है कि एसी भी प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। और इन दिनों में लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को। लास्ट ईयर तो कुछ ज़्यादा ही हुई थी, कई कई दिन तक लाइट रात को भी नहीं आ रही थी। इस साल उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज लाइट में है प्रॉब्लम थोड़ी सी। तो चलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अभी खाना हमारा बन गया है, अब मैं खाऊँगी।
तोरी बनाई है मैंने तोरी की, और मैंने पानी डाल के सब्जी बनाई है, ज़्यादातर मैं बनाती नहीं हूँ। साथ में है मसाला छाछ हरी मिर्ची, और यही हमारा आज का डिनर है। तो मैं खा लेती हूँ खाना। खड़ा आ जा, आ मेरा सर फोड़ोगे? आ जा सोना। मम्मी किसको? दिल में मेरे दर्द डिस्को। चलो 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 चलो। मौसम कितना प्यारा, और ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आई है। लाल लाल बादल।